छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। आम लोगों से होते हुए कोरोना की घुसपैठ वीवीआईपी लोगों तक हो चुकी है। सीएम ऑफिस हो, गृह मंत्रालय हो या फिर जनसंपर्क विभाग, कोरोना ने मंत्रियों के घर तक दस्तक दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश की आईएएस लॉबी तक कोरोना की जद में है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बेलगाम होता कोरोना, प्रदेश में लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। मुख्यमंत्री के ओएसडी पीएसओ कोरोना पॉजिटिव, रोजाना मिल रहे हैं 1000 से ज्यादा मरीज। देश में अनलॉक होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के मामले में सेफ स्टेट माना जा रहा था, लेकिन इस वक्त प्रदेश में कोरोना को लेकर खासा ढिलाई बरती जा रही है। प्रदेश में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। अब आलम यह है कि सीएम भूपेश बघेल के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद सीएम ने एहतियात के तौर पर अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है। हालांकि भूपेश बघेल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसकी जानकारी सीएम बघेल ने खुद दी है। सीएम बघेल के पीएसओ और ओएसडी ही नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ही कोरोना संक्रमण के जद में आ चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी आइसोलेट हैं। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया आइसोलेशन पर हैं। वहीं विधायक दलेश्वर साहू, विधायक देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक आशीष छाबड़ा, विधायक डमरूधर पुजारी, विधायक शिवरतन शर्मा कोरोना के जद में आ चुके हैं। सरकार आइसोलेशन में है और मैं तो ये चाहूँगा कि व्यवस्था आइसोलेशन में ना जाए, व्यवस्था होता रहे। व्यवस्था के लिए कोई हमको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर करने की ज़रूरत होती है। ये बेहतर टेस्टिंग फैसिलिटी और हॉस्पिटल में और ज़्यादा सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से आने वाले 2-3 महीने के लिए काम अभी से करना चाहिए। सिर्फ सरकार में मंत्री ही नहीं, कोरोना का संक्रमण आईएएस लॉबी तक पहुंच गया है। आईएएस कुंदन कुमार, आईएएस जयवर्धने, आईएएस तारण प्रकाश सिन्हा, आईएएस नीलेश क्षीरसागर, आईएएस रजत कुमार और आईएएस सोनमणि बोरा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और दूसरी ओर सरकार संक्रमण पर जल्द काबू पा लेने का दावा कर रही है। बीमारी किसी को नहीं जानता कि वीआईपी है कि सामान्य है। अब जो उसके चपेट में आएगा उसको इन्फेक्ट करेगा। एहतियात रखने की जरूरत है और अभी लोगों से मेल जो लौरे सब वगैरह इसमें एहतियात बरतना चाहिए। अभी मुलाकात का दौर बंद करना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है और इसमें उम्मीद है कि जल्दी नियंत्रण पा लेंगे। ये आंकड़े इसलिए भी डराते हैं क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 270 को पार कर गया है। ऐसे में अगर सरकार ने वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ रोज कोविड-19 के मसले पर नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। ऐसे में पूरी सरकार फिलहाल आइसोलेशन पर चली गई है। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात हो, चाहे गृह मंत्री की, चाहे रविंद्र चौबे की बात हम कर लें, चाहे शिव डहरिया की, फिलहाल सभी मंत्री आइसोलेशन पर है। विपक्ष ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, सरकार आइसोलेशन पर चले जाए ठीक है, पर व्यवस्था आइसोलेशन पर नहीं जानी चाहिए। स्टेट के लिए वीडियो के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।